बेस्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजीियर होगा एग्जाम या होल लाइफ अब से हर स्टूडेंट विनर होगा समझ आएगा तो मजा आएगा वेदांतु लर्न लाइव ऑनलाइन टू अटेंड अ फ्री लाइव क्लास डाउनलोड द ऐप नाउ हाय गाइस वेलकम टू वेदांतु मैथ जी हाँ इस सीरीज में है वो पांच सवाल जो बहुत ही सिंपल है इन एवरी पेपर सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 9th अप्रैल शिफ्ट 2 अगर आपने पहले तीन एपिसोड मिस कर दिए हैं तो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बिफोर वी बिगिन मेक श्योर दैट यू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप क्योंकि वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं PDF नोट्स एंड वी कैन हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन सो एब्सोल्युटली फ्री है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए राइट JEE मेंस 9th अप्रैल शिफ्ट 2 सो स्टे विद मी 5 4 3 2 1 लेट्स गो ठीक है तो फिर एज यू नो द रूल्स ऑफ द गेम ये है पहला क्वेश्चन यू रीड इट यू गेट 10 सेकेंड्स टू रीड तो क्वेश्चन वन क्या करें फिर से है 3D ज्योमेट्री से बहुत सिंपल सो दिस सेज अ प्लेन पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स तो ठीक है तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ द अदर प्लेन विच इज x प्लस y प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अब x y z को कर लेते हैं सॉर्ट सो 2 प्लस लैम्डा x प्लस 3 प्लस लैम्डा y प्लस 1 प्लस लैम्डा z प्लस 6 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0 ठीक है दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन अब ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू 0 अब टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर मतलब एब्सोल्युटली डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर drs इज अ 0 तो यहाँ x एंड y तो है नहीं With z, I will say 1 plus lambda, I will say 1 plus lambda is equal to 0, मतलब lambda is minus 1, तो अब lambda को minus 1 बनाते हैं, and यहाँ पे आके, what is the equation in that case? यहाँ पे देखो, lambda is minus 1 gives me x, and यहाँ पे plus 2y, and यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 1 सो प्लस 11 इक्वल टू 0 अगर अब ये इक्वेशन है एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट बस डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ना याद है ना इफ आई हैव द पॉइंट x1 y1 z1 एंड इफ इट ड्रॉप्स अ परपेंडिकुलर हियर ऑन द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 तो आप बस रिप्लेस करते हो एक्स वाई जेड की जगह एक्स वन वाई वन जेड वन और डिवाइड करते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से सो नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो क्या हो जाएगा मेरा इट विल बी 0 प्लस 0 एंड यहाँ आ जाएगा 11 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ तो इट इज सिंपली 11 बाय रूट 5 यूनिट्स है ना बिल्कुल बच्चों का खेल सो ऑल ऑफ यू हु गॉट द आंसर 11 बाय रूट 5 वेल डन गाइज लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड हियर इट इज ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं अगर तुमको पता है डीसीज क्या होते हैं सो इफ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 3 विद आई कैप मतलब विद द एक्स एक्सिस पाई बाय 4 विद जे कैप मतलब विद वाई एक्सिस एंड थीटा विद द के कैप बस इस चीज को ध्यान से पढ़ना कि इंटरवल क्या है
then what is theta equal to? So yahan se you know this formula that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. We had discussed this while discussing vectors in 3D. Jaake playlist ko check kar lena. So this will be alpha hai mera pi by 3. So cos square pi by 3 matlab cos square 60 degrees plus cos square pi by 4 is 45 degrees and isko agar main bula lu n square is equal to 1. Cos square 60 already hota hai half, so this becomes 1 by 4. Cos square 45 1 by root 2, so this becomes 1 by 2 plus n square is 1. Ab calculate karke batao kya aayega yahan pe. This will be 1 minus 3 by 4 hai ki nahi? This will be 3 by 4, so 1 minus 3 by 4, n square will be 1 by 4, matlab answer hai n is equal to plus minus half. Lekin kahani mein twist, here you are given it has to be between 0 and 180, theek hai? To kya hum value nikalein? That means my cos gamma is equal to half or cos gamma is equal to minus half, theek hai? Ab yahan pe options mein dekh lo, when either this happens when cos is 60 degrees, matlab cos pi by 3 and negative aata hai cos of pi minus pi by 3, second quadrant. Ab yahan pi by 3 to hai nahi, 2 pi by 3 is the required answer. So all those who got 2 pi by 3 as the answer, once again, lovely guys. Let's move to question number 3 now. ओके अब ये है एक सीक्वेंसेस एंड सीरीज का सवाल जो बहुत इजी होने वाला है. देखो लॉजिक देखो और पैटर्न देखो. इस 1 को मैं लिख सकती हूं 1 into 1. सो नाउ इफ यू लुक एट ऑल द फर्स्ट टर्म्स, सो इस हिसाब से मेरी nth टर्म हो जाती है n, एंड लाइकवाइज अगर मैं सेकंड टर्म को देखूं 1 3 5 7, सो ऑल द ऑड नंबर्स व्हिच आई कैन राइट एज 2n minus 1. ठीक है, once you have decided about this pattern, अब तुमको निकालना है sum of 11 terms. तो मतलब I want to know what is sigma a n when n moves from 1 to 11. ठीक है, तो इसमें values put करते हैं. I will get sigma n equal to 1 to 11. Here I can say it's 2n square minus n. Right, अब this becomes, if I separate them out, twice of sigma n equal to 1 to 11 n square minus sigma n equal to 1 to 11 n, right? Ab main kya formula use karu isme? Bilkul, my sigma, dekho simple likhte hu, 1 square plus 2 square plus 3 square, aise till n square mera aa jata hai n into n plus 1 into 2n plus 1 into 6, where n is finite number of terms that I am taking. And same way, mera sigma n aa jata hai, n into n plus 1 by 2. Of course, n has to be a finite number. Bas yahi logic agar main yahan apply karu, yahan n ki jagah I have been given 11 terms. To theek hai, to n ki jagah 11 lagana hai. So this will be 11, 11 plus 1 is 12. 2 into 11 is 22, तो ये 23 by 6 हो जाएगा, minus, यहाँ भी n की जगह, we just have to put 11, so this will be 11 into 11 plus 1 upon 2, अब इसको simplify कर लो, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, find out करो और मुझे बताओ, what is the answer, of course you will get 946 as the required answer. So, jis ka bhi 946 aa gaya hai answer, well done. Chalo, let's move to the next question. Here it comes. Ye question hai super se bhi upar, kyunki isme you are going to make use of a technique jo tum class 11th mein trigonometry padhte hue ek formula prove karte ho ya ek result prove karte ho. Result goes like this, that sine theta into sine 60 minus theta, theek hai, into sine
60 degree plus theta, to matlab pi by 3 minus theta, pi by 3 plus theta is 1 by 4 times sine of thrice of theta. बस इसी रिजल्ट को हमने यूज करना है यहाँ. कैसे? ये देखो, साइन 30 यू ऑलरेडी नो इज हाफ. ओके, अब अगर यहाँ मैं वैल्यूज देखूँ, यहाँ है मेरे पास साइन 10 डिग्रीज, यहाँ है 50 डिग्रीज जिसको मैं लिख सकती हूँ 60 डिग्रीज माइनस 10 डिग्रीज, एंड हियर आई हैव 70 डिग्रीज विच आई कैन राइट 60 डिग्रीज प्लस 10 डिग्रीज. So if you actually watch out, it is absolutely resembling the formula. So this becomes 1/4 of sine 3 theta. Theta kya hai? 10. So sine 30 degrees. Ab bolo bolo kya hai answer? Sine 30 is obviously half. So 1 by 2 into 1 by 4 into 1 by 2. And absolutely right. 1 by 16 is your answer. So kudos to you guys. Chalo, tayar ho question 5 ki taraf? To here it goes. Yes. So let's look at the fifth question. Matrices ka hai. Look at the three equations, which are this, this and this. It is mentioned that they have a non-trivial solution. अब बहुत simple बात है. If you have three homogeneous equations, homogeneous कैसे? Because the right side is all zero. Then in this case, non-trivial solution तुम्हारा तब आता है जब determinant of A zero हो जाता है. तो in this case, I will take determinant of A. Determinant of A क्या है? Coefficient matrix का. Coefficient matrix से जो डिटर्मिनेंट बनता है. सो दिस इज 2, 3, माइनस 1, 1, k, माइनस 2 एंड 2, माइनस 1, 1. दिस इज इक्वल टू 0. मतलब लेट्स जस्ट ओपन दिस. सो दिस विल बी k एंड यहाँ पे आएगा माइनस 2, माइनस 3, दिस विल बी 1, सो प्लस 5, माइनस 1 विल बी माइनस 2, माइनस 2k इक्वल टू 0. ओके, अब ये तो ऑब्वियसली सॉल्व कर ही लोगे. सो सॉल्व करके बताओ, k विल टर्न आउट टू बी 9 बाय 2. कैलकुलेशंस ऑब्वियसली यू कैन डू. k 9 बाय 2 आ जाता है. अब देखो यहाँ पे क्या होता है. वन थिंग इज आई वॉन्ट द रेशियो x बाय y, y बाय z एंड z बाय x. यहाँ x बाय y बनाने के लिए आई कैन डिवाइड विद y. तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x बाय y प्लस 3 माइनस z बाय y इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास. एंड सेम वे इफ आई ट्राई डूइंग द सेम थिंग फॉर थर्ड इक्वेशन, तो यहाँ भी आएगा ट्वाइस ऑफ x बाय y माइनस 1 प्लस z बाय y इक्वल टू 0. इफ आई एड दीज टू इक्वेशंस मेरे पास आ जाता है 4x बाय y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x बाय y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2. नाउ लुक एट द सेकेंड वन. यहाँ पे आ रहा है मेरे पास x, k की जगह आ रहा है प्लस 9 बाय 2 y माइनस 2 z इज इक्वल टू 0. नाउ इफ आई डिवाइड विद y वन मोर टाइम, तो यहाँ आ जाता है x बाय y प्लस 9 बाय 2 माइनस ट्वाइस ऑफ z बाय y इज 0. क्यों मैंने y से डिवाइड किया? क्योंकि x बाय y मुझे पता है इट्स माइनस हाफ प्लस 9 बाय 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z बाय y. तो यहाँ से z बाय y भी निकाल लोगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 बाय 2 विच इज 4. तो तुम्हारा z बाय 4 y आ जाता है इक्वल टू 2. नाउ यू कैन गेट x बाय z और z बाय x बाय सिंपली डिवाइडिंग देम. सो फाइंड दैट आउट, एड ऑल द थ्री एंड यहाँ पे k भी मत भूलना, एंड देन टेल मी व्हाट इज द आंसर. इज इट ई क्यू माइनस 4, ई क्यू 3 बाय 4, ई क्यू हाफ और ई क्यू माइनस 1 बाय 4? चलो मुझे आंसर जल्दी से बता देना इसका. एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वेदांतु मैथ फैमिली फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस. सो सब्सक्राइब टू वी मैथ, जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन,
Thank you so much and bye-bye.